अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुजाहिद अनम चैनल में आप सबका खुश आमदीद। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है वाई टाइम के बारे में कि हम अपना वाई टाइम जो है वो कैसे चेक करें। तो नए यूट्यूबर के लिए तो वैसे भी ये वीडियो बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि उनको समझ आ जाए कि हम अपना वाई टाइम कैसे चेक करें। क्योंकि यूट्यूब का एक फ्रेंड्स ला है कि आपने पहले करना क्या होता है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होते हैं और 4000 वाई टाइम का जो है टाइम वो भी आपने कंप्लीट करना होता है। तो बहुत से फ्रेंड जो हैं वो अपना वाई टाइम जो यूट्यूब पर चेक कर रहे होते हैं वो दरअसल गलत तरीके से चेक कर रहे होते हैं। जो वाई टाइम लिखीच के आपके सामने जो लिखीच के आ रहा होता है वो वाई टाइम वैसा मिनट में आ रहा होता है, आपने आवर्स में इसको चेक करना होता है। तो फ्रेंड्स, वाई टाइम को चेक करने का तरीका कार क्या है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल मुजाहिद अनम को कर लें सब्सक्राइब ताकि मजीद, और बेल आइकन पर कर दें क्लिक ताकि मजीद आपको जो है ऐसी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, करना क्या है, आपने क्रोम ब्राउज़र यहाँ से ओपन कर लेनी है मोबाइल पर। तो अगर आपने यहाँ पर पहले से लॉग इन किया हुआ है अपना चैनल तो वो यहाँ से ओपन करना है, अगर नहीं किया तो आपने सर्च पट्टी में यूट्यूब टैप करना है, फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ यूट्यूब अपने चैनल को लॉग इन कर लेना है। तो जैसे आप अपने चैनल को लॉग इन यहाँ पर कर लें तो आपने यहाँ कोने में आपको यूट्यूब दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, आपने ये 3 जो लाइन दिखाई दे रहे हैं आपने इस 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। तो जिस तरह आपने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको माय चैनल का ऑप्शन यहाँ नज़र आ रहा है, आपने इस माय चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, माय चैनल का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन होगा। तो आपने यहाँ पर वीडियो मैनेजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो वीडियो मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर एनालिटिक्स ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये देखिए आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, आपने इस पर क्लिक कर देना है। एनालिटिक्स पर क्लिक करने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर जो आप वाई टाइम चेक कर रहे हैं वो दरअसल वाई टाइम मिनट्स में आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आप ये जो वाई टाइम है ये लास्ट 28 दिन का है। आपने करना क्या है, यहाँ कोने में आ जाएं आप, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपको एक लिखा हुआ वाई टाइम मिलेगा, आपने ये जूम करके मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपने ये जो वाई टाइम आपको दिखाई दे रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इधर क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक है वाई टाइम मिनट्स में जो के है 2438, दूसरा है व्यूज़। तो यहाँ तीसरी जो लाइन है यहाँ पर अभी आपको वाई टाइम का ऑप्शन नज़र दूसरा नहीं आ रहा। तो आपने करना क्या, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कंपेयर मैट्रिक का, तो आपने यहाँ पर कंपेयर मैट्रिक पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद जो आपको ये नीचे मोर मैट्रिक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने मोर मैट्रिक पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहां पर, मैं थोड़ा आपको जूम इसका आउट करके दिखाता हूं, तो यहां पर फ्रेंड्स इसको मैं जूम करके आप दिखा दूं, आप नीचे आ जाएं, व्यूज़ एवरेज और एवरेज परसेंटेज व्यूज़ वाई टाइम, ये जो तीसरे नंबर पर आपको वाई टाइम आवर्स लिखा दिखाई दे रहा है आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देखें आपको तीसरा ऑप्शन नज़र आ रहा है वाई टाइम आवर का, तो ये जो है 41 आवर्स जो है मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये जो वाई टाइम आपको है ये लास्ट 28 डेज़ का दिखा रहा है। तो आपने करना क्या है, इस लास्ट 28 डेज़ का ये जो ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने नीचे आ जाना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट 365 डेज़, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो वाई टाइम है आपका जो फोर आवर्स जो आपने वाई टाइम कंप्लीट करना होता है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे, ये जो वाई टाइम आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने अपना जो वाई टाइम है वो 53 आवर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप भी अपना वाई टाइम कंप्लीट कर अपना वाई टाइम जो है देख सकते हैं।